हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एडी ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हमने स्टार्ट किया है बेटा अपना सब्जेक्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कास्टिंग, जिसमें बेटा कुछ प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनके लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। सो एक नई सीरीज शुरू करी है हमने नए साल पे नई तैयारी के नाम से, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेटा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और ये आपको एब्सोल्युटली फ्री कराए जाएंगे, आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा और हर बड़े एग्जाम से लेकर हर छोटे एग्जाम तक के सिलेबस को ध्यान में रखा जाएगा। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कास्टिंग के कि किस तरह के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं कास्टिंग की मदद से, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड, प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग मटेरियल, ठीक है। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मोल्डिंग मटेरियल की। अब सवाल उठता है कि ये जो मोल्डिंग मटेरियल ये होता क्या है बेटा, व्हाट इज दिस मोल्डिंग मटेरियल एक्चुअली, ठीक है। तो एक्चुअली इट इज नथिंग बट सैंड, इसे ये सैंड होता है, तो सैंड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, याद रखना किसी भी कास्टिंग की जो सक्सेस होती है कि उस कास्टिंग अच्छी बनेगी या नहीं, इट विल डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग मटेरियल डेफिनेटली। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज का ज्ञान आपको होना चाहिए हर हाल में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिफ्रैक्टरीनेस, ठीक है। तो रिफ्रैक्टरीनेस क्या होती है बेटा, इसको ध्यान से समझ लेंगे आज हम, ठीक है। रिफ्रैक्टरीनेस में क्या होता है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड, ये मोल्डिंग सैंड की वो क्षमता है एक तरह से, दैट इज एबिलिटी बाय विच इट कैन विद स्टैंड अगेंस्ट द हायर टेम्परेचर, यानी कि हायर टेम्परेचर पे जो सैंड है उसके पार्टिकल मेल्ट ना हो जाए, ठीक है। अगर वो मेल्ट हो गए तो वो फ्यूज हो जाएंगे, मिल जाएंगे किसमें बेटा, मोल्टन मेटल में, जो कि अपने आप में एक डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टरीनेस जो होती है बेटा, उसमें ये बात समझ लीजिए, इट इज द एबिलिटी ऑफ सैंड, ये एबिलिटी है किसकी, एबिलिटी ऑफ सैंड, ठीक है, टू विदस्टैंड अगेंस्ट हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर, ठीक है, आपको ये याद रखना, हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट उसे बने रहना, ठीक है। अब हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट क्या है कि इसकी वजह से क्या होता है, और इट अवॉइड्स मेल्टिंग ऑफ, बेटा इट से मतलब यह है मेरा कि हाई रिफ्रैक्टिवनेस जो है वो क्या अवॉइड करती है, मेल्टिंग ऑफ सैंड पार्टिकल्स, ठीक है, सैंड पार्टिकल्स को मेल्ट होने से रोकती है, और अगर वो मेल्ट नहीं होंगे तो ऑब्वियस है दे विल नॉट मिक्स विद द मोल्टन मेटल, ठीक है। तो ये होती है रिफ्रैक्टिवनेस, ठीक। वैसे तो बेसिकली यह है बेटा कि जो सिलिकॉन ऑक्साइड होती है, यानी कि जो जिसम प्योर सिलिका कहते हैं बेसिकली, वो बेटा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बेसिकली वो लगभग 1700 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और किसी भी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई नहीं होता जनरली, ठीक है। तो यानी कि जो सैंड है बेसिकली, ये सैंड है पर्टिकुलर नॉर्मल सैंड, वो जल्दी से मेल्ट नहीं होगी किसी हालत में, ठीक है। और अच्छी सैंड अगर सिंथेटिक सैंड हम यूज करें, दैट इज सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, तो बेटा ये मेल्टिंग पॉइंट और हाई हो जाता है, ये लगभग बेटा 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, ठीक है। और एक और मोल्डिंग मटेरियल हम यूज कर सकते हैं ग्रेफाइट, कार्बन एक तरह से, ठीक है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के साथ क्या है बेटा, लगभग 4200 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो आप देख रहे हैं कि जनरली जिन मेटल्स की आप कास्टिंग करते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट 1700 से कम ही होता है बेसिकली,
तो अगर किसी मेल्ट कोई ऐसी मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है बहुत ज्यादा, तो आप क्या करेंगे वहां पे सिलिका कार्बाइड आप ऐड कर सकते हैं अपने मोल्डिंग मटेरियल, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टरीनेस। ओके, चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है दैट इज ग्रीन स्ट्रेंथ। ग्रीन स्ट्रेंथ, ठीक है, ग्रीन स्ट्रेंथ। अब ग्रीन स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा? इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मोल्डिंग मटेरियल। है तो बेसिकली स्ट्रेंथ ही किसकी? मोल्डिंग मटेरियल की। स्ट्रेंथ ऑफ मोल्डिंग मटेरियल after adding moisture in it, करेक्ट। तो जब हम किसी मोल्डिंग मटेरियल में मॉइस्चर मिला देते हैं उसके बाद जो मोल्डिंग मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है उसे जनरली हम क्या कहते हैं? ग्रीन स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। अब जब हम किसी सैंड में मॉइस्चर मिला देंगे तो क्या होगा बेटा? उसकी स्ट्रेंथ जो है, बेसिकली स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ जाएगी और साथ साथ बेटा प्लास्टिसिटी भी बढ़ जाएगी। प्लास्टिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे हम आगे पढ़ेंगे, प्लास्टिसिटी, ठीक है। प्लास्टिसिटी इंश्योर्स द टाइप ऑफ इंप्रेशन मेड बाय द पैटर्न, ठीक है, ठीक है। ये क्या करती है? इंश्योर करती है, इंश्योर टू रिटेन द इंप्रेशन मेड बाय पैटर्न, ठीक है। यानी कि अगर आपका एनफ प्लास्टिक नहीं होगी, अगर आपकी जो मोल्डिंग सैंड है वो एनफ प्लास्टिक नहीं होगी तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही आप पैटर्न को बाहर निकालेंगे तो जो आपकी कैविटी बनी थी वो कैविटी आपकी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा इंश्योर टू रिटेन द इंप्रेशन, इंप्रेशन इज नथिंग बट कैविटी। इंप्रेशन को बेटा हम कैविटी भी कहते हैं, आपको पता है, ठीक है, कैविटी। और इसी कैविटी को हम मोल्ड कैविटी भी कहते हैं जिसमें लिक्विड मेटल डाला जाता है। तो ये बनी रहे इसलिए तो प्लास्टिसिटी होनी जरूरी। और प्लास्टिसिटी जो एक इनडायरेक्ट प्रोडक्ट है किसका बेटा? ग्रीन स्ट्रेंथ का। और ग्रीन स्ट्रेंथ कब मिलती है बेटा? जब किसी मोल्डिंग मटेरियल में हम मॉइस्चर मिला देते हैं, ठीक है, मॉइस्चर मिला देते हैं। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ड्राई स्ट्रेंथ। ड्राई स्ट्रेंथ, ठीक है, ड्राई स्ट्रेंथ। देखिए, जब हॉट मोल्टन मेटल को ग्रीन मोल्ड में डाला जाता है, व्हेन द हॉट मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू अ ग्रीन मोल्ड, देन द अवेलेबल मॉइस्चर गेट वेपराइज्ड, ठीक है। मॉइस्चर जो होता है बेटा उसकी वेपर बन जाती है और वो एज ए गैस बनकर बाहर निकल जाता है। तो उससे क्या होती है बेटा कि जो मोल्ड होती है वो ड्राई हो जाती है। एट दैट टाइम व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट मोल्ड? इज नथिंग बट द ड्राई स्ट्रेंथ, ठीक है। यानी कि आफ्टर पोरिंग मोल्टन मेटल, मैं यहां लिख देता हूं बेटा, आफ्टर पोरिंग मोल्टन मेटल, ठीक है, मॉइस्चर फ्रॉम ग्रीन मोल्ड वेपराइज्ड एंड मोल्ड बिकम ड्राई, ठीक है, मोल्ड जो है वो ड्राई हो जाती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ दिस ड्राई मोल्ड इज नथिंग बट द ड्राई स्ट्रेंथ। इसे ही ड्राई स्ट्रेंथ कहते हैं बेटा। ओके, तो हम यहां लिख सकते हैं बेटा ड्राई स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ ऑफ ड्राई मोल्ड, ठीक है, ये कह सकते हैं। अब ड्राई मोल्ड जो है वो हाई होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दो काम करने होते हैं बेटा आपको, तीन काम करने होते हैं एक्चुअली। सबसे पहली बात तो ये कि हायर जो, अगर ये आपकी हाई है ड्राई स्ट्रेंथ, अगर आपकी हाई है, हाई ड्राई स्ट्रेंथ, तो क्या होगा बेटा?
सैंड का जो इरोजन है वो लो हो जाएगा। इरोजन समझते हैं ना, यानी कि सैंड का कहीं से निकल जाना, जैसे आप लिक्विड मेटल उसमें डालो तो किसी पर्टिकुलर जगह से सैंड निकल निकल के मोल्ड कैविटी में से बाहर किसके साथ मिक्स हो जाना, आपका मोल्टन मेटल के। तो ये जो है हाई ड्राई स्ट्रेंथ जो होती है सैंड इरोजन को रोकती है, कम करती है बेटा, ठीक है। इससे क्या होता है बेटा कि रिटेन करती है मोल्ड कैविटी अपनी शेप, टू रिटेन मोल्ड कैविटी कैविटी शेप, यानी कि अगर हाई ड्राई स्ट्रेंथ है तो शेप जो होगी बेटा मोल्ड की वो बनी रहेगी, वो बनी रहेगी। और बेटा और इट आल्सो यूज टू ओवरकम द मेटेलोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। मेटेलोस्टैटिक फोर्स मैंने आपको बताया था, जब हॉट मेटल होती है वो ऊपर की तरफ या फैलने की कोशिश करती है या ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है, जब बॉइलिंग पॉइंट पे होती है बिल्कुल बॉयल होने लगती है, बहुत ज्यादा हॉट होती है, तो एक फोर्स लगाती है मेटल ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जिससे क्या होता है शेप ऑफ मोल्ड कैविटी चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेटा हाई ड्राई स्ट्रेंथ इन तीनों चीजों के लिए जरूरी है, ठीक है। ओके चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हॉट स्ट्रेंथ। हॉट स्ट्रेंथ, ठीक है। देखिए जैसे ही आपने लिक्विड मेटल डाला किसमें, ग्रीन मोल्ड में, तो ग्रीन मोल्ड कन्वर्ट हो गई ड्राई मोल्ड में। अब ये जो ड्राई मोल्ड है इसके अंदर जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर अब भी बहुत हाई है, ठीक है। तो हॉट स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, ये मोल्डिंग मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अपनी शेप मोल्ड कैविटी रिटेन करके रखती है, ठीक है। मैं लिख देता हूं बेटा, इट शुड बी हॉट स्ट्रेंथ इज दैट स्ट्रेंथ which provides resistance against distortion of mold cavity, resistance against distortion of mold cavity in dry mode, ठीक है। तो हॉट स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है बेटा विच प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिस्टॉर्शन ऑफ मोल्ड कैविटी टू ड्राई मोल्ड, यानी कि ड्राई मोल्ड बनने के बाद जब उसमें लिक्विड हॉट मेटल अवेलेबल है तब भी बेटा चांस है कि मोल्ड कैविटी की शेप चेंज हो जाए ड्यू टू एक्सपेंशन। तो उसे रोकने के लिए बेटा जो स्ट्रेंथ लगाती है मोल्ड मटेरियल, मोल्डिंग मटेरियल जो स्ट्रेंथ लगाता है दैट इज नोन एज हॉट स्ट्रेंथ। तो एक तरह से ये कह सकते हो कि ड्राई मोल्ड अपनी शेप रिटेन रखे एट हायर टेम्परेचर, ड्राई मोल्ड जो है अपनी शेप को बनाए रखे कहां, हायर टेम्परेचर पे, तब उसे किस स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, तब उसे हॉट स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ए ड्राई मोल्ड मस्ट हैव इनफ हॉट स्ट्रेंथ टू रिटेन इट्स शेप एट हायर टेम्परेचर, क्लियर। इसे कहते हैं बेटा हॉट स्ट्रेंथ, ठीक है, हॉट स्ट्रेंथ। ओके नेक्स्ट इज परमेबिलिटी, ठीक है। परमेबिलिटी क्या होती है बेटा ये समझ लीजिए बेटा, ठीक है। देखिए जब आपका आपने हॉट मेटल डाली ग्रीन मोल्ड में, तो ग्रीन मोल्ड में हुआ जो मॉइस्चर था उसका वेपराइजेशन होगा, उसका वाष्पीकरण होगा, then what will happen, there some gases will produce, ठीक है, okay, and also during solidification of molten metal, gases automatically produces, ठीक है, जब कोई चीज गर्म से ठंडी होती है तो उसमें कुछ ना कुछ गैसेज बनती है, ठीक है। तो हम यहां देख रहे हैं कि जब आपकी गैसेज फॉर्मेशन कहां कहां होती है, अगर मैं देखो बेटा गैस फॉर्मेशन कहां कहां होती है बेटा, सबसे पहली बात
when moisture of mold vaporized, ठीक है, यानी कि जब मॉइस्चर होगा मोल्ड का, वो जब वेपराइज होगा तब बेटा आपका क्या होगा, तब आपका कुछ गैसेस बनेंगे। और दूसरी स्टेज कब है बेटा, ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, जब सॉलिडिफिकेशन हो रहा होगा तो भी आपका गैसेस बनेंगे। सॉलिडिफिकेशन किसका होगा, मोल्टन मेटल का। तो इस दौरान गैसेस बनती है। अब आपकी जो मोल्ड है उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उन गैसेस को बाहर निकाल दे, ठीक है। तो बेटा आपका मोल्ड का जो है बेटा, याद रखना, जो मोल्ड है दैट मस्ट बी इनफ पोरस, मोल्ड मस्ट बी इनफ पोरस, ठीक है। यानी कि इन गैसेस को बाहर निकालने के लिए मोल्ड को के अंदर पोरोसिटी होनी चाहिए। पोरोसिटी मतलब छोटे छोटे होल। अब देखिए बेटा, जो सैंड होती है, सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं ऐसे, उनके बीच में गैप बना रहता है ऐसे, ये वॉइड्स होते हैं, करेक्ट। तो गैसेस जो है इन्हीं वॉइड्स के थ्रू बाहर निकलती है। दूसरा, हमने बेटा पिछले कुछ लेक्चर में जो गेटिंग सिस्टम पढ़ा था, तो मैंने कहा था हम वेंट्स बना देते, एक मेटल की लंबी सी रॉड लेते हैं, उससे कास्टिंग के आसपास क्या कर देते, कुछ होल बना देते हैं अंदर तक, सिलेंड्रिकल होल लंबे लंबे। तो इन होल के थ्रू भी आपका गैसेस बाहर आ जाती है। तो अब मोल्ड को पोरस होने के लिए बेटा सैंड पार्टिकल्स के बीच छोटी छोटी जगह होती है, इसे ही पोरोसिटी कहते हैं, और इसी में से जो गैसेस है वो बाहर निकल के जाती है, ठीक है। गैसेस कौन कौन सी बनती है बेटा, जब वाटर को हीटअप करते हो बेटा आप, तो भैया दो तरह की गैसेस बनती है, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब स्पेशली हाइड्रोजन जो है मेटल से रिएक्ट नहीं करेगी, इट विल ट्राई टू एस्केप। अब अगर इसे एस्केप होने के लिए जगह नहीं मिलती है तो क्या होता है बेटा, कि ये इंट्रैप फंस जाती है कास्टिंग के अंदर ही, और जब कास्टिंग सॉलिडिफाई होगी उसके बावजूद ये उसके अंदर फंसी रहेगी, तो यानी कि जो कास्टिंग आपकी वो डिफेक्टिव बनेगी, ठीक। तो इस गैस का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो इसलिए क्या होता है बेटा, दिस गैस पासिस थ्रू दीज वॉइड्स, ठीक है। तो एबिलिटी ऑफ ए गैस टू परमिट एस्केप द गैसेस थ्रू इट, यानी कि किसी भी सैंड की, मोल्डिंग मटेरियल की, वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो अपने अंदर से गैसेस को गुजार सके, द एबिलिटी ऑफ सैंड बाई विच इट कैन इट परमिट द एस्केप गैसेस थ्रू इट इज नोन एज परमेबिलिटी, ठीक है। हाँ, तो ये होती है सिंपली आपकी परमेबिलिटी, तो द एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग मटीरियल, ठीक है, ओके। तो मैं यहां लिख देता हूं, द एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग मटीरियल, टू एस्केप द गैसेस थ्रू मोल्ड इज नोन एज व्हाट, परमेबिलिटी, ठीक है, क्लियर है। तो किसी भी मोल्डिंग मटेरियल की वो क्षमता जिसकी वजह से वो अपने अंदर से बनी हुई गैसेस को बाहर निकाल सके, परमेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। अब परमेबिलिटी जो है बेटा, वो किन्हीं कुछ चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है, किन चीजों पे, मान लीजिए बेटा आपके कोर्स ग्रेन कहते हैं बेटा बड़े को, ठीक है, तो बड़े बड़े ग्रेन हैं ऐसे सैंड के, तो क्या होगा बेटा, इनके बीच जो ये वॉइड होगा ये लार्ज होगा, तो कोर्स ग्रेन में होते हैं बेटा लार्ज वॉइड्स, क्या होते हैं बेटा, लार्ज वॉइड्स, और लार्ज वॉइड्स का मतलब होगा बेटा हाई परमेबिलिटी, ये याद रखना, ठीक है, हाई परमेबिलिटी। लेकिन अगर आपका सैंड जो है, अगर सैंड ग्रेन्स फाइन है, तो क्या होगा कि इनके बीच जो वॉइड बनेगा वो छोटा होगा, वॉइड मतलब रिक्त स्थान, खाली जगह, तो राइड बनेगा वो छोटा होगा, इसलिए लो परमेबिलिटी होगी। तो आपको याद रखना है,
कोर्स ग्रेन का मतलब है बेटा, अगर कोर्स ग्रेन है तो आपको याद रखना है कि हाई परमेबिलिटी होगी, और अगर फाइन ग्रेन की बात करता है तो आपको याद रखना है लो परमेबिलिटी होगी, करेक्ट? ठीक है। अब चूंकि कोर्स ग्रेन में से ज्यादा गैसेस बाहर निकल सकती हैं, तो इसलिए बेटा ये जो आपकी कोर्स ग्रेन जो है बेटा वो आपका हेवी एंड बल्कि कास्टिंग के लिए सुटेबल है। ठीक है, हेवी बल्कि कास्टिंग के लिए सुटेबल है, और जो आपकी फाइन ग्रेन है वो बेटा स्मॉल कास्टिंग के लिए, स्मॉल एंड कॉम्प्लेक्स कास्टिंग के लिए, ठीक है, सुटेबल है, ये याद रखना, कास्टिंग के लिए सुटेबल है, क्लियर? ठीक है, चलिए एक और बताता हूं आपको पॉइंट। किसी भी मोल्डिंग मटेरियल की परमेबिलिटी बेटा वो डिपेंड करेगी उसके मॉइस्चर परसेंटेज पे भी, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट पे। तो मान लीजिए ये तो हो गया आपका मॉइस्चर परसेंटेज और ये हो गई परमेबिलिटी, ठीक है, ये हो गई परमेबिलिटी। तो क्या होता है इनिशियली, जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, जैसे जैसे मॉइस्चर बढ़ेगा धीरे धीरे, तो क्या होगा, सैंड के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर अच्छे से चिपक जाएंगे। तो जब सैंड पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपक जाते हैं तो उनके बीच का गैप ऑब्वियसली बढ़ेगा, ये गैप उसका बढ़ेगा हर हालत में, ठीक है। तो इनिशियली जैसे जैसे मॉइस्चर परसेंटेज बढ़ता है वैसे वैसे आपका परमेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन एक पॉइंट पर आने के बाद ये घटनी स्टार्ट हो जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि अब ये घटनी स्टार्ट हो जाएगी। अब सवाल उठता है ये घटी क्यों? देखिए, जब मॉइस्चर लगातार बढ़ता रहेगा तो क्या होगा बेटा कि जो मोल्डिंग मटेरियल है वो पेस्टी होने लगेगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा जैसे पेस्ट। और पेस्ट में क्या होता है बेटा, मटेरियल पार्टिकल्स के बीच वाटर इकट्ठा होने लगता है। तो वाटर स्टार्ट्स टू अक्यूमुलेट इन बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स व्हेन द एक्सेस मॉइस्चर इज एडेड। तो इसलिए क्या होता है बेटा कि आपका, अब जैसे ही यहां पे वाटर आ गया, मान लीजिए यहां पे वाटर आ गया अच्छे से, ये तो ये गैसेस को एस्केप होने से रोकेगा, और जब गैसेस को ये एस्केप होने से रोकेगा तो भैया जी क्या होगा, परमेबिलिटी घट जाएगी। तो यहां पे परमेबिलिटी घटने लगती है इस पॉइंट के बाद। तो ये जो वाटर परसेंटेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छी वाटर परसेंटेज लगभग 8% मानी जाती है, इससे ज्यादा नहीं रखते, ठीक है। वैसे तो 6 to 12 की रेंज है, बट एग्जाम में अगर कुछ आता है तो 8% के आसपास आता है, याद रखना। वैसे तो रेंज जो है मैं बता देता हूं, ये भी 6 to 12% होती है लगभग, बट स्टिल अगर कोई बेस्ट पूछे क्या होनी चाहिए वैल्यू, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, 8%, ठीक है। तो परमेबिलिटी आपकी घटने लगती है, क्लियर है, ठीक है। और इसके साथ साथ बेटा ये भी याद रखना कि जैसे जैसे आपका वाटर परसेंटेज बढ़ती है तो क्या होती है बेटा कि जो आपके क्ले पार्टिकल्स होते हैं, क्ले हमने मिलाई थी ना चिकनी मिट्टी, क्ले पार्टिकल सैंड पार्टिकल से बहुत छोटे होते हैं, याद रखना। तो क्ले पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो जब क्ले सैंड में मिलाया जाता है तो क्ले पार्टिकल्स यहां पे आके, यानी कि जो आपके सैंड पार्टिकल्स के बीच वॉइड है यहां पे आके बैठने लगते हैं ऐसे। तो इनिशियली जैसे जैसे वाटर परसेंटेज बढ़ेगी क्या होगा, ये क्ले पार्टिकल सैंड पार्टिकल से चिपकने लगेंगे और यहां जगह खाली होती चली जाएगी, तो यानी कि परमेबिलिटी बढ़ती है इनिशियली, लेकिन बाद में फिर से जब यहां वाटर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, यानी कि मोल्डिंग मटेरियल पेस्ट जैसा बनना शुरू हो जाएगा, तो फिर से आपकी परमेबिलिटी घटेगी। तो क्ले जो पार्टिकल है उसके लिए भी यही ग्राफ सुटेबल है, ठीक है, याद रखना बेटा। अगर मैं बात करूं ग्रीन स्ट्रेंथ की, एक और ग्राफ आपको यही बता देता हूं बेटा मैं, दिस इज वाटर परसेंटेज, वाटर कंटेंट यानी कि मॉइस्चर ही है बेटा कंटेंट, ठीक है, और यहां पे हो गया आपका ग्रीन स्ट्रेंथ, ग्रीन स्ट्रेंथ याद रखना, ग्रीन स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये भी इसमें क्या होता है बेटा कि इनिशियली जब आपका वाटर परसेंटेज बढ़ता है ये बढ़ती है, लेकिन उसके बाद अचानक से गिरनी शुरू हो जाती है यहां, ठीक है, तो यहां पर गिरनी शुरू हो जाती है। तो जब इसमें भी आप देख रहे हैं इनिशियली वाटर परसेंटेज बढ़ने में ग्रीन स्ट्रेंथ बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे वाटर परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे समस्या हो जाएगी बेटा, क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम कितनी होगी बेटा, कैसे होगी, वो मैं आपको बताता हूं कि जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ेगा जो आपका मोल्डिंग मटेरियल है वो आपका फ्लोई होना शुरू हो जाएगा, यानी कि फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ज्यादा पानी डाल दीजिए रेत में तो क्या होता है, रेत भी उसके साथ फ्लो होने लगता है, तो सेम कंडीशन यहां पर आएगी। तो एक पर्टिकुलर लिमिट है। अब क्या होता है बेटा, ये तो ग्रीन स्ट्रेंथ का हो गया,
और ये वाला ग्राफ हो गया बेटा आपका किसका, परमेबिलिटी का। तो अब देखिए बेटा परमेबिलिटी तो काफी दूर तक बढ़ती है वाटर परसेंटेज के साथ साथ, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत कम वाटर के बाद ही घटनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये पॉइंट आपका ऑप्टिमम होता है यहां पर, ये पॉइंट, इस पॉइंट की वैल्यू आती है बेटा 8%। एक्चुअल केस ये है, ठीक है, बी केयरफुल, एक्चुअल केस ये है। ये पॉइंट ऐसा है कि इस पर स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक मिल जाएगी और परमेबिलिटी भी ठीक ठाक मिल जाएगी। ये वाला जो ग्राफ है ये परमेबिलिटी का, ये परमेबिलिटी का ग्राफ है, ठीक है, और ये आपका स्ट्रेंथ का ग्राफ है। तो अब देखिए अगर आप यहां लेते हैं यहां, तो क्या होता है 6 से 12% के बीच कोई वैल्यू आएगी, लेकिन इस पॉइंट तक आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो जाएगी। इसलिए एक ऐसा पॉइंट चूज करते हैं जहां पर ग्रीन स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक मिल जाए और वाटर कंटेंट भी आपका सही मिल जाए, यानी कि परमेबिलिटी भी सही मिल जाए। तो एक ऐसा वाटर कंटेंट अब यूज करें, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ 8%, ठीक है। वैसे तो 6 के 12 के बीच लिया जा सकता है, लेकिन 6 और 12 के बीच 8% वाटर कंटेंट ऐसा है जहां पर आपको परमेबिलिटी तो अच्छी मिलेगी मिलेगी, साथ साथ ग्रीन स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक मिल जाएगी, ठीक है। ऑप्टिमम वैल्यू मान लीजिए वाटर कंटेंट की, ऑप्टिमम वैल्यू, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब बेटा और भी कुछ बताना चाहूंगा परमेबिलिटी के बारे में। यहां पर अगर सैंड ग्रेन आपके इररेगुलर ग्रेन्स, ठीक है, ये भी सुन लीजिए, इररेगुलर ग्रेन्स, तो क्या होगा बेटा, उनकी जो इंटरलॉकिंग कैपेसिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो हायर इंटरलॉकिंग कैपेसिटी, इंटरलॉकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो हायर इंटरलॉकिंग कैपेसिटी होगी, यानी कि जो इररेगुलर शेप के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी बहुत अच्छी होती है बेटा इंटरलॉकिंग कैपेसिटी, ऐसे देखिए। तो क्या होगा अगर हायर इंटरलॉकिंग कैपेसिटी है, तो इसका यह मतलब है बेटा कि स्मॉल वॉइड्स बनेंगे। कैसे बनेंगे बेटा, स्मॉल वॉइड्स, और जब स्मॉल वॉइड्स बनते हैं बेटा तो परमेबिलिटी आपकी लो हो जाती है। तो यहां पे हो जाएगा लो परमेबिलिटी, ठीक है, लो परमेबिलिटी। अब जो रेगुलर ग्रेन होते हैं बेटा उनके साथ क्या होता है ये देखते हैं, रेगुलर ग्रेन के साथ क्या हो जाए, जो रेगुलर ग्रेन होते हैं बेटा, रेगुलर का मतलब होता है बेटा स्फेरिकल टाइप के, स्फेरिकल शेप के रेगुलर ग्रेन जो होते हैं, उनमें क्या होता है बेटा कि ये देखिए ये रेगुलर ग्रेन है, तो इनके बीच वॉइड लार्ज बनता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका लोअर इंटरलॉकिंग कैपेसिटी, लोअर इंटरलॉकिंग कैपेसिटी, लोअर इंटरलॉकिंग कैपेसिटी बनती है, ठीक है। अब जब लोअर इंटरलॉकिंग कैपेसिटी है, सीधी सी बात है, तो भैया जी यानी कि इसका मतलब है कि लार्ज वॉइड बनेंगे, और जब लार्ज वॉइड बनेंगे बेटा तो आपकी परमेबिलिटी कैसी होगी बेटा, हायर परमेबिलिटी, ठीक है, हायर परमेबिलिटी बनती है तब, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, परमेबिलिटी नंबर, ठीक है। तो परमेबिलिटी नंबर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू हाइट, ठीक है, वॉल्यूम इंटू हाइट, किसका वॉल्यूम, किसकी हाइट, एक स्पेसिमेन बनाई जाती है स्टैंडर्ड, उसका वॉल्यूम उसी की हाइट, ठीक है, इंटू एयर प्रेशर, यहां पे एयर प्रेशर लेंगे, इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक सेकेंड, ठीक है, यहां पर हम लेंगे एयर प्रेशर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसी स्पेसिमेन का, ठीक है, इंटू टाइम, ठीक है। मैं एक चीज बता देता हूं बेटा, एक स्पेसिमेन बनाई जाती है स्पेशली, उसमें से गैसेस को गुजारा जाता है, अब उस स्पेसिमेन का वॉल्यूम, हाइट, एयर प्रेशर, क्रॉस सेक्शन एरिया सब फिक्स है बेटा, सब फिक्स है, ठीक है। तो क्या क्या होता है बेटा, जो स्पेसिमेन है, वॉल्यूम है बेटा किसका, स्पेसिमेन का, वो कितना होता है बेटा, वो लगभग होता है बेटा 2000 सेंटीमीटर क्यूब,
2000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर हाइट की बात करूं मैं बेटा उसकी, हाइट की, हाइट, ठीक है, उस स्पेसिमेन की जो हाइट होती है वो बराबर होती है लगभग लगभग आपका 5.08 सेंटीमीटर, ये फिक्स है बेटा, इसी से नापा जाता है 5.08 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रेशर की, सॉरी हाँ, प्रेशर की बात करूं अगर मैं, प्रेशर की बात करूं अगर मैं, तो लगभग लगभग होगा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये होता है, ठीक है। एंड जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो होता है बेटा आपका एरिया 20.286 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग इतना होता है, ठीक है, 20.286 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। और टी जो है टाइम, ये मिनट में है बेटा, इट इज द टाइम टेकन बाय द एयर टू पास थ्रू द होल स्पेसिमेन अलोंग इट्स लेंथ या अलोंग इट्स हाइट, ठीक है, यानी कि उसकी हाइट के अलोंग, मान लीजिए स्पेसिमेन है इसकी ये सारी चीजें हैं, तो हम यहां से हवा इसमें एंटर कराएंगे, यहां तक आने में कितना टाइम लगा, ये होगा बेटा टी मिनट, ठीक है। तो परमेबिलिटी नंबर जो होता है बेटा, बेसिकली ये एक तरह से कैलकुलेट डायरेक्ट किया जा सकता है बेटा इस फॉर्मूले से, 307.2/T, ये बेटा ये फॉर्मूला, यानी कि इन सबको सॉल्व करके, इन सबको सॉल्व करके अकॉर्डिंग यूनिट सही करके, ये बेटा आपका आ जाता है 307.2/T, कहीं कहीं किसी किसी बुक में 307/T भी दिया है, सो डोंट वरी, बात एक ही है, बात एक ही है यहां पर, ओके, ठीक है। तो बेटा ये आज हमने मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज पढ़ी कुछ, दिस इज द पार्ट वन ऑफ दिस लेक्चर। इसके बाद एक और पार्ट हम करेंगे मोल्डिंग सैंड की कुछ प्रॉपर्टीज का, कुछ ग्राफ भी बेटा ड्रा करके आपसे एज ए क्वेश्चन पूछूंगा कि आप क्या जानते हैं, क्या सीखे इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, ठीक है। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो बेटा, आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है बेटा। आप हमें फीस देंगे, लेकिन फीस की फॉर्म क्या होगी, वो ये होगी कि आप हमारे इस लेक्चर को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, इस पे कमेंट भी करेंगे, और साथ साथ बेटा आप क्या करेंगे, आप बेटा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे इसको डालेंगे, ठीक है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट आए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।